नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की वीडियो है ये जो पत्थर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मैंने अभी चक्की खोली है क्योंकि मेरी चक्की जो है काम करना बंद कर रही है, क्योंकि आटा जो है क्वालिटी का नहीं आ रहा है और उसमें चापट भी आ रही है और ऐसा चिपका चिपका आटा आ रहा है एकदम। तो उसके लिए मैंने आज चक्की खोली है। तो मैं आपको बता दूँ, देखो नाली तो बहुत अच्छी बनी हुई है, इसमें अभी आपको दिख रही होंगी नाली में कोई सी कम नहीं है, नाली खूब अच्छी बनी हुई है, नाली में जरा सी भी कमी नहीं है। और दूसरा पत्थर भी दिखा दूँ, उसमें भी कमी नहीं है, फिर भी मुझे खोलनी पड़ी चक्की। क्यों खोलनी पड़ी उसका भी कारण बताऊँगा मैं आपको, और ये इसका सलूशन भी बताऊँगा क्या करना है इसमें, और मुझे खोलने के बाद पता चलेगा। क्योंकि मेरी चक्की को टकाई की हो ज़्यादा दिन नहीं हुए, फिर भी थोड़ी दिक्कत बन गई क्योंकि अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, गेहूँ थोड़ी नमी आ रही है, तो इसके लिए हवा का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और उसके लिए मैं काम करूँगा आज मैं। तो वो इसलिए अभी तो हमारी चक्की चल रही है वो ज़्यादा दाब पर चल रही है और ज़्यादा लोड लेके चल रही है, और जो है आटे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही है। तो मैं आपको दूसरा पत्थर दिखा दूँ, तो ये भी पत्थर की क्वालिटी बहुत सही है अभी तक, नाली बहुत अच्छी है, पर जो है अभी इसकी जो है अपनी जो है वो पिसाया बहुत ज़्यादा है अभी तक। वो मैं आपको बता दूँ कैसे कैसे क्या करना है, कितना साइज रखना है, कितनी नाली की चौड़ाई रखनी है, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो में। तो मैंने एक नाली बना के अभी फिट की है, तो इसकी नाली की चौड़ाई रखी है मैंने 2 इंची चौड़ाई है इस नाली की, और यहाँ से जो ढाल है वो अंदर की तरफ है, जो हाफ वाली नाली है, हाफ वाली है ना, ये फुल नाली है, ये फुल नाली है, पूरी नाली नीचे, और जो हाफ नाली आती है पत्थर में, यानी कि 12 नाली होती है उसमें 6 नाली छोटी होती है, 6 नाली बड़ी होती है, तो ये छोटी वाली नाली है, मैंने बढ़ा करके पूरा कर दिया है। अगली बार में पूरा यहाँ तक मिला दूंगा इसको, और यहाँ से ढाल अंदर को कर दिया है मैंने इसको, और इसकी चौड़ाई रखी है वो 2 इंच रखी है मैंने, और इसकी जो पटरी की चौड़ाई है वो 3 इंची की रखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई है वो 3 इंची रखी हुई है, और जबकि इसकी चौड़ाई अगर पुरानी देखोगे तो यहाँ तक है पूरी, और 4 इंची यानी कि 1 इंची फालतू चल रहा है यहाँ तक, तो मुझे यहाँ से और यहाँ तक का पूरा कट करना पड़ेगा 1 इंची का पूरा। तो यही पूरा लोड लेके चल रहा है, और इसी वजह से आटे की क्वालिटी नहीं आ चाहिए, हवा भी नहीं बननी, और काफ़ी समस्या इसी प्रकार से होती है। अभी मैं इस प्रकार से नाली बनाऊँ वही आपको दिखाता रहूँगा सब कुछ, पूरा पत्थर में बना रहा हूँ, इसके बाद में फिर बताता हूँ आपके बारे में दूसरा पत्थर के बारे में। तो मैंने ये पूरा पत्थर उसी प्रकार से बना दिया है, इसकी नाली की चौड़ाई है वो 2 इंची है, और पटरी की चौड़ाई 3 इंची रखी है मैंने, और इसी प्रकार से एकदम पूरा पत्थर बना दिया है, और ये बरसात के मौसम के लिए पत्थर एकदम पूरी तरह से तैयार है। देखने में भी एकदम सुंदर लग रहा है पत्थर, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें। तो अब दूसरा पत्थर दिखाते हैं कैसे। तो ये हमारा दूसरा पत्थर आ गया नीचे वाला, घूमने वाला पत्थर जो अपना, तो इसमें भी वो हिसाब किताब है, नाली इसकी देखोगे तो अच्छी खासी नाली है, नाली की गहराई अच्छी खासी है इसमें भी, और इसका भी वो हिसाब किताब है, बरसात के मौसम के लिए तैयार नहीं है पूरी तरह से, और जबकि हम इसको देखा जाए तो इसकी यहाँ घिसाव जो है, जो कि अपनी पटरी चल रही है वो इतनी चौड़ी चल रही है, करीबन 4 इंची से भी फालतू चल रहा है इसका पिसाव पटरी है। अब इसको काट करके हमें 3 इंची लेके छोड़ना है यहाँ तक, 3 इंची मतलब, और नाली की चौड़ाई रखनी है वो 2 इंची। तो उसी प्रकार से पूरा पत्थर तैयार करेंगे हम, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, पत्थर काफ़ी काटना पड़ रहा है, अगर गर्मियों के दिन होते फिर भी चल जाता है ये, और अभी बरसात के दिन में गेहूँ में ज़्यादा नमी आ रही है, उसी प्रकार से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि हवा का प्रेशर यहीं से बनेगा सब कुछ डायरेक्ट ही एकदम, और पिसाव जो है बिल्कुल कम रखना पड़ेगा। देखो इसमें मैंने पिसाव एकदम कम कर दिया है पूरा, और यहाँ से पूरा ढाल दे अंदर के लिए दे दिया एकदम, पूरा ढाल अंदर के लिए, ऐसे ही नालियों का हिसाब किताब ऐसे ही अंदर है। और एक चीज़ और बताऊंगा हवा के लिए, जो कि अब बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखना है आपको, वो मैं यहीं पे एक नाली बना के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा हवा के लिए एकदम प्रोसेसर बहुत अच्छा है, जो कि मैं हर बार से यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को। इसमें बनाते समय आपको टकाई करते समय वो चीज़ ध्यान रखनी है, वो मैं अभी बताऊँगा आपको, पहले एक नाली बना के आपको बताता हूँ पूरा। देखो मैंने एक नाली ये बनाई है और एक नाली ये बनाई है, तो इसकी मैंने जो अपनी जो ढाल दिया है वो अंदर को दिया है। देखो ये किनारी दिख रही है आपको, ये किनारी कुछ लोग क्या करते हैं कि इस किनारी को एकदम नीचा एकदम मिला के काट देते हैं, बिल्कुल नीचा कर देते हैं, बिल्कुल इस तरफ को यहाँ से ढाल इधर को कर देते, ऐसा नहीं करना है कभी भी, ये ध्यान रखना है, जो ढाल जो यहाँ से होना चाहिए वो इस कोने पर होना चाहिए, ढाल यहाँ से इस कोने पर होना चाहिए, यहाँ से भी इस कोने पर, यहाँ से भी, और यहाँ से भी इस कोने पर ढाल होना चाहिए टोटल। अगर यहाँ से हम पानी छोड़े एक बूंद का, मतलब पानी छोड़े यहाँ से, तो यहाँ आना चाहिए टोटल पानी, इधर से भी इधर से भी, तो ये किनारी बरकरार बनी रहनी चाहिए,
अगर कम कम तो होती है वैसे टेपर के हिसाब से होती है, पर जो है एकदम ज़्यादा लोग काट देते हैं, एकदम ढाल बना देते हैं उल्टी तरफ को, दूसरी नाली की तरफ को, तो ऐसा कभी नहीं करना। क्योंकि पत्थर इस प्रकार से ऐसे करके घूमता है तो दाना यहाँ से घूम करके ऊपर को चढ़ जाता है एकदम। अच्छा, वो उसमें क्या करते हैं कि अंदर अंदर घूमता रहता है दाना, कभी देखा होगा दाना भरता रहता है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। और हवा का प्रेशर बनाता है, जब ऐसे करके पत्थर घूमता है तो हवा का प्रेशर इस किनारी से बनता रहता है, हवा का प्रेशर बनते ही एकदम चक्की जो अंदर की होती है वो एकदम ठंडी रहती है पूरी प्रकार से। तो इस नाली को, इस किनारी को जो है पूरा ध्यान रखना है, यहाँ से ढाल जो है वो इस प्रकार के इधर को ही रखना है, जो ढाल रखना है यहाँ से इधर को इस कोने पर ढालना चाहिए, नाली के इस कोने पर ढालना ऐसे ही इस प्रकार से। ये यहाँ से मैंने यहाँ से बनाऊंगा तो यहाँ से इस इधर को ढाल दूंगा पूरा। तो आपको ये चीज़ पूरा ध्यान रखना है, इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, और मैंने करके भी देखा ये चीज़। तो पूरा पत्थर बनाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये भी पत्थर हमने बना के कर दिया है कम्प्लीट एकदम, बहुत बेहतरीन तरीके से। वही हमने रखा है, साइज वही है इसका भी, तो 3 इंच इसकी चौड़ाई है और 2 इंच इस नाली की चौड़ाई है, 3 2। और यहाँ से ढाल जो है अंदर को ही दिया है पूरा एकदम, पूरी फ्रेसिंग के साथ पत्थर बनाया है, काफ़ी समय लग गया है इसमें पत्थर में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चक्की से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएँ और उसका लाभ उठा पाएँ। तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।